गाइज, एम आई रूम का लेटेस्ट अकीम का पोर्ट आ चुका है रेडमी के 4 डिवाइस लिए, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलवेज ऑन स्क्रीन बिल्कुल ही परफेक्ट काम करता है हर बार की तरह, और काफ़ी अच्छा सा खासा कस्टमाइजेशन भी हमें जो ये अकीम के एम आई रूम के पोर्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसके नए फीचर्स को एक्सप्लोर, साथ साथ पता करेंगे क्या परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाती है और कितने हद तक कस्टमाइजेशन है और बाकी अंदर चीज़ें पहले के मुकाबले फिक्स हुई है, इम्प्रूवड हुई है या फिर नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो थम्स अप जरूर दें और वीडियो को फुल एंड तक वॉच जरूर करें। सबसे पहले बात करें इसके आइकन की, तो आइकन पहले से मुझे कुछ ज़्यादा है फिनिशिंग के साथ और इम्प्रूव्ड लग रहे हैं, तो आइकन के जो लुकिंग है ना ये काफ़ी हद तक मुझे काफ़ी बेटर लग रहे हैं पहले वाले बिल्ड के मुकाबले। वहीं पर अगर हम नेट सेफ्टी की बात करें तो हमारा नेट सेफ्टी बिल्कुल ही पास मिलता है, हर बिल्ड में हमें पास देखने को मिला है, कोई भी इशू यहाँ पे नहीं आती है। वहीं पे अगर हम जीकेएम की बात करते हैं तो जीकेएम आप परफेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो, जीकेएम में कोई भी इशूज नहीं आता है। हार्डवेयर की भी परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन हार्डवेयर की जो बटन लाइट्स है ये हर बार हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि ये रेडमी के नोट 5 प्रो डिवाइस से पोर्ट किया गया है और रेडमी के नोट 5 प्रो में हार्डवेयर की है नहीं, तो सॉफ्टवेयर की वजह से यहाँ पे एक छोटा सा बग देखने को मिल जाता है। वहीं पे सेटिंग में इसके अगर बिल्ड नंबर की बात करते हैं तो बिल्कुल ही लेटेस्ट वाला यहाँ पे बिल्ड हमें देखने को मिलता है, जो कि 20.3.19 है, जो कि एंड्रॉयड 9 के ऊपर रन कर रहा है और सिक्योरिटी पैच आपको 2019.3.5 का देखने को मिलता है। 4G वाला मैं वर्जन अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ, लेकिन जो इसका किरनल यूज किया गया है तो आप चाहो तो अपने मर्जी के अनुसार चेंज कर सकते हो। और जैसा कि मैंने इसके पहले एक वीडियो प्रोवाइड किया जिसमें मैं बताया हूँ कि MIUI का जो 11 है इसका अपडेट अब क्लोज होने वाला है, क्योंकि MIUI 12 पे काम किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि क्या हमारे इस Redmi Note 4 को पोर्ट रोम में MIUI 12 देखने को मिलेगा या नहीं, तो जी हाँ परफेक्टली आपको मिलेगा। जिस तरीके से अभी हम MIUI 11 यूज कर पा रहे हैं पोर्ट रोम का, उस तरीके से इन फ्यूचर हम Android 10 के ऊपर MIUI 12 को भी यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो Redmi Note 4 डिवाइस है ये काफ़ी ज़्यादा लकी डिवाइस है और काफ़ी ज़्यादा है जो दमदार हो जाता है इन फीचर्स और पोर्ट रोम के वजह से। वहीं पे यहाँ पे ऑलवेज ऑन स्क्रीन का फुल बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि परफेक्टली है जो काम करता है। यहाँ तक बाकी ऐसे अदर डिवाइसेज हैं जिनमें ये फीचर्स अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। वाइब्रेशन आपको अनलॉकिंग पे मिल जाता है, बाकी ऑल कॉमन वाले फीचर्स जो कि हमें हर बार देखने को मिल जाते हैं। चार्जिंग का एनिमेशन वगैरह सेम ओल्ड वाला है, कोई भी चेंज नहीं है। हमारे अकीब के थ्रू नया कस्टमाइजेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हो अपने स्टेटस बार को चेंज कर सकते हो, चाहे वो iOS हो या प्रो हो या फिर AOS भी हो। तो ब्राइटनेस पैनल, ड्यूल डेट, टाइम एंड डेट, एक्सपेंड और यहाँ पे नोटिफिकेशन, कलर का, वर्टिकल का, स्पीड मीटर, कैरी लेवल और बैकग्राउंड में ब्लर करना, रिबूट के मेनू को ब्लर करना, ये सारी चीज़ें आपको जो देखने को मिल जाता है। और इन सारे फीचर्स को मैंने प्रीवियस वाले बिल्ड के अंदर वन बाई वन करके अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या चेंज होता है इन्हें ऑन ऑफ करने पे। तो आपने वॉच किया था आपको पता है, नहीं वॉच किया था वॉच कर लेना। ओके, यहाँ पे एक नया फीचर्स आ गया, वो है ओल्ड बैटरी आइकन। तो हाल फिलहाल में ऐड किया गया है लेटेस्ट MI रूम के अंदर और यू के अंदर भी, लेकिन उन सभी के अंदर ये ऑप्शन जब हम डिवाइस को रिबूट करते हैं तब काम करता है। बट यहाँ पे एडवांटेज ये है कि आप जैसे ही इसे इनेबल करोगे आपका जो बैटरी का आइकन है ये चेंज हो जाता है, आपको डिवाइस को रिबूट नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हो ओल्ड वाला जो चला गया अब वापस ओल्ड वाला आ गया, तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्विक कर दिया गया है। जबकि बाकी अंदर ऑफिशियल रोम्स के अंदर हमें रिबूट वाला फीचर्स देखने को मिलता है, यानी हम डिवाइस को रिबूट करेंगे तभी वो एक्टिव होता है, अदरवाइज नहीं होता है। और बाकी अंदर जो कॉमन फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं वही सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो लेटेस्ट वाला बिल्ड हमें देखने को मिला है इसमें कुछ खास स्पेशल बिग चेंज नहीं किया गया है एंड्रॉयड पाई वाले यूजर्स के लिए, लेकिन जो एंड्रॉयड 10 है उनमें एनिमेशन वगैरह की चेंजिंग है जो की गई है। तो यहाँ पे भूकंप आ गया बिना मतलब के। अब अगर हम यहाँ पे रोटेशन को ऑफ करते हैं और अपने फ़ोन को कुछ इस तरीके से रोटेट करेंगे तो आप देखोगे जो एनिमेशन है ये सेम पहले जैसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं पर एंड्रॉयड 10 के जो डिवाइसेज हैं उनका एनिमेशन है जो यहाँ पे बदल दिया गया है। तो ये थोड़ा बहुत बदलाव आया है, बट हमारा जो एंड्रॉयड पाई है जिसकी वजह से ये एनिमेशन देखने को नहीं मिलता है। प्रीवियस बिल्ड में हमें पैच यूज करना पड़ा था फेस अनलॉक के लिए, बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फिक्स कर दिया गया है, तो आपका फेस अनलॉक परफेक्ट वर्किंग है, बस आपको बटन प्रेस करना है, लाइट अप होते ही अनलॉक हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे मैं हल्का सा कहूँगा कि स्लो है हमारा फिंगरप्रिंट का रिस्पॉन्स, और सॉरी फेस अनलॉकिंग का रिस्पॉन्स स्लो है, जबकि हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो काफ़ी क्विक देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हो हर टाइम हर बार काम कर रहा है, तो कोई भी आपको स्लो फील नहीं होगा आपके फिंगरप्रिंट के रिस्पॉन्स में। वहीं पे हमारा कीबोर्ड भी अच्छे तरीके से काम करता है, तो आप कीबोर्ड आराम से इजीली यूज कर पाओगे, लेकिन स्टार्टिंग पे अब जब इसे फ्लैश करोगे तो हल्का फुल्का वो स्लो फील होता है, बट जैसे ही आप लॉन्गर यूज करते हो आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा इस रोम को यूज करते हुए। किक बॉल वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ आपको मिल जाता है, बैकअप, रिस्टोर, ईयरफोन वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है।
स्क्रीन ऑन टाइम में नोटिफाई अबाउट इंटरप्रेटेड यूजेज वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा ओल्ड हो चुका है बट हाल फिलहाल में ही आया है। वही अगर हम होम स्क्रीन पे आते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं गैलरी की, तो गैलरी के अंदर आपको स्काई और सन वाला फीचर देखने को मिल जाता है अगर आप एडिट के ऑप्शन पे जाते हो तो यहाँ पे फीचर आपको अवेलेबल मिलता है। इधर की ओर अगर हम बैक की ओर आते हैं तो ये भी गैलरी आपको बिल्कुल ही लेटेस्ट अपडेटेड मिलता है, तो कोई भी इशू दिखाई नहीं देता है। थीम की अगर हम बात करें तो थीम के अंदर कस्टम पे जाते हैं तो हमें बूट एनिमेशन और बूट ऑडियो देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ रोम्स हमें प्रोवाइड नहीं करता है। वहीं पर अगर हम 3D टच की बात करें तो हमारा 3D टच थोड़ा सा बोल्ड हो गया है फॉन्ट, जो कि पहले जो स्लिम था तो हमेशा कभी बोल्ड कभी स्मॉल होते रहता है। वहीं पर एक चीज़ मैंने नोटिस किया है वो रेडमी के नोट 5 प्रो के अंदर भी और साथ ही साथ रेडमी के नोट 4 के अंदर, वो है स्पेशल फीचर्स का हमारा जो गेम टर्बो, यहाँ से ये एग्जिट हो जाता है। सेम प्रॉब्लम हमारे 5 प्रो के अंदर भी है, तो ये ऑफिशियली प्रॉब्लम है ना कि इस पोर्ट की वजह से, ठीक है। बट आप अपने गेम टर्बो को अपने सिक्योरिटी ऐप के गेम टर्बो से एक्सेस कर पाओगे, बस इंटरनली सेटिंग से ये काम नहीं करता है, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो और परफेक्टली काम करता है, तो गेम बूस्टर वाला का आप बेनिफिट भी यहाँ पे ले पाओगे, नो इशूज। वहीं पे आपको जो वीडियो टूल बार भी देखने को मिल जाता है, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो वहाँ पे एक्सेस कर देते हो, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जहाँ पे ये सारे फंक्शन आप यूज कर पाओगे अगर वीडियो टूल बार को आप एक्सेस करते हो तो। वहीं पे अनटूटू की अगर हम बात करते हैं तो अनटूटू का जो स्कोर हमें मिलता है वो हर बार की तरह अकीब में सेम स्कोर दिखता है और सेम परफॉर्मेंस भी हमें मिल जाती है। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 81027 का, ये मैंने यहाँ पे अनटूटू का वर्जन यूज किया है 7.2.2, क्योंकि लीनेज ओएस के ऊपर यही वर्जन रन करता है, लेटेस्ट वाला जो वर्जन है वो फ्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे ओल्ड वाला परफेक्ट है और काफी कमाल का स्कोर दे रहा है, तो इनमें कोई भी इशूज नहीं आती है। अक्सर लोग यूज करते हैं कि भाई जीपीएस हमारा वर्किंग है नहीं, तो जी हाँ, जीपीएस आपको इनडोर में हल्का फुल्का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन अगर आप आउटडोर में जाते हो तो आपके पास जीपीएस फुल्ली फंक्शनली रहता है और आप लाइव लोकेशन वगैरह यूज कर पाओगे। प्ले स्टोर भी हमारा सर्टिफाइड है, वगैरह अभी तक अपडेट नहीं हुआ है जिसकी वजह से शो नहीं कर रहा है, तो मैं एडिटिंग के टाइम पे आपको ऑन स्क्रीन लिख दूंगा कि ये सर्टिफाइड हुआ या फिर आपको जो यहाँ पे नॉट सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है। वहीं पर ये रूम काफी स्मूथ और काफी अच्छा और वीडियो कॉल वगैरह भी आपको फिक्स्ड मिलता है, आप इसे डेली लाइफ में अच्छे बैटरी बैकअप के साथ यूज कर पाओगे। और यहाँ पे बहुत सारे रूम्स आने लगे हैं पोर्ट रूम के, तो हर एक रूम में सबसे बेटर रूम यही मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी कमाल की आपको जो कस्टमाइजेशन और स्टेबिलिटी वगैरह देखने को। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक लिए बाय बाय।